सिम क्या है? सिम उन पुरुषों के लिए एक अपमानजनक अपमान है जो महिलाओं के लिए बहुत अधिक चौकस और विनम्र के रूप में देखे जाते हैं, विशेष रूप से उन पर कुछ यौन ध्यान आकर्षित करने या गतिविधि जीतने की असफल आशा से बाहर। अनुवाद: शब्द का अर्थ है एक लड़की के लिए कुछ भी करने के लिए युवकों को ट्रोल करना जिसका वह कथित तौर पर हकदार है। A simp, according to the internet, an advocate for an ideology or cause. गलत definition. A simp, according to the internet, it is when a male is overly submissive to a female and gains nothing from it. Uska aim hota hai to get a little bit of sexual action, but all he gets is denial. But at this point, वो शब्द इतना overused हो गया कि अब सब meaning भी भूल चुके हैं उसका। अगर कोई लड़का दोस्त अपनी लड़की की दोस्त की फोटो पे comment कर दिया तो वो simp है। अगर कोई boyfriend अपनी girlfriend के post पे comment कर दिया तो वो भी simp है। अबे चूतिये, अगर वो तेर को भाव नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि जिसको वो भाव दे रही वो सिंप है। So welcome back to the channel. In today's video, we'll be talking about some particular simps जो मेरे को इंटरनेट में मिले, but the correct meaning of the word simp. और अगर तुमको अभी भी सिंप का मतलब नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ बहुत ही सरल भाषा में। सिंप का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़के के पीछे बहुत ज्यादा पागल हो और उस लड़की को आइडिया भी नहीं हो कि वो लड़का एग्जिस्ट करता है। वेरी सिंपल लॉजिक, और उससे रिलेटेड आज हमारी वीडियो है somewhat. So this video has been coming in my recommended for the last few days. बहुत दिन हो गए पातला मैया देवाम एलियन इमोजी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसमें ऐसा क्या है जिससे इसको 3.6 मिलियन व्यूज मिले, बट फिर व्यूज तो बहुत चीजों को मिल जाते हैं, सो मैं जज नहीं कर रहा हूँ। एनीवे, दिस इज अ रैंडम वीडियो ऑफ अ गर्ल लिप सिंकिंग टू दिस टर्किश सॉन्ग जो तुम अपने मीम्स वगैरह में यूज करते रहते हो, पातला मैया देवाम। वेरी वेरी नॉमिनल सी वीडियो है। तो मैं पूरी वीडियो चलाऊंगा नहीं, फॉर ऑब्वियस रीजंस, मेरे को कॉपीराइट क्लेम नहीं चाहिए। बट एनीहाउ, पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि इस ये वीडियो इंडिया में स्पेशली इतनी वायरल चली गई है कि इसके कमेंट्स अब इंडियन सिम्प्स से भरे हुए हैं। नहीं मतलब मेरे को तो कॉन्सेप्ट अभी तक समझ नहीं आया, 3.6 मिलियन लोग ने ये वीडियो देखी एक लड़की लिपसिंग करती हुई एंड दे थॉट इंटरेस्टिंग। और अगर ये वीडियो तुम्हारे रिकमेंडेड में आई है तो यू नो कि इसका कमेंट सेक्शन क्या है। दिस गर्ल इज डैम क्यूट बेबी, शी हैज बिकम द नेशनल क्रश 2020 इन इंडिया। नेशनल क्रश है, ठीक है, मतलब प्रियांश पाल ने डिक्लेयर कर दिया भाई कि ये नेशनल क्रश है 2020 की। ठीक है, तुम लोग चाहे जानते हो चाहे नहीं जानते हो, अगर प्रियांश पाल ने कर दिया डिक्लेयर तो तुमको मानना पड़ेगा वो तुम्हारी भी क्रश है, अब नेशनल क्रश है। मतलब तुम लोग देखो ना, जस्ट इमेजिन हाउ मेनी पीपल कम हियर डेली टू सी हर एक्सप्रेशन, जस्ट इमेजिन। एनीहाउ, विदाउट एनी मोर फर्दर डिलेज, वी विल जस्ट गो थ्रू द कमेंट सेक्शन। सच अ ब्यूटीफुल कमेंट सेक्शन दिस इज, एंड लेट्स गो थ्रू इट। क्या बात है भाई, ओपनिंग कमेंट इतना सुंदर, आई एम इन लव विद यू बेबी, सुमित साहा लविंग कमीला बेनेट, मेरे से नाम भी प्रोनाउंस लियो। व्हाट इज हर नेम प्लीज, चूतिया चैनल के नाम में लिखा है। वाओ, लुकिंग क्यूट भाई, तू स्कूल में क्यों नहीं है? यू आर सो क्यूट बाबा। बलजीत सिंह कहते हैं अमेजिंग साउंड भाई। I am crushed to see this. Guys, hit like if you also crushed to see this. Guys, please hit like, guys. Meme wale chacha kehte hain, I love you sister. I very much respect this comment because wo love bhi dikha rahe hain but at the same time kuch galat message pass nahi kar rahe. Very very nice comment. I love you sister is good comment. I respect. Squirt baby. एंड आई डोंट थिंक कि आधे से ज़्यादा लोग जो कमेंट सेक्शन में क्यूट बेबी लिख रहे हैं उनको पता है कि शायद लड़की 18 से कम की है, क्योंकि शक्ल से तो इफ आई वर टू गेस हर एज आई वुड से शी इज अ सॉलिड 16, बट आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। तो 16 की होते हुए भी अगर इंडियन लोग उसकी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं डैम क्यूट बेबी विद हार्ट इमोजी, एंड वेल ऑब्वियसली इन कॉमेंट्स के बिना तो हर कॉमेंट सेक्शन अधूरा है। ओपी, अ
अरे भाई ओपी यार भाई, ओपी भाई, ओपी भाई, ओपी बहू मिल गई। गाइस क्या आपको भी ये वीडियो देखने के बाद बहू मिल चुकी है? हिट लाइक गाइस। अगर आपको भी इस वीडियो देखने के बाद बहू मिल चुकी है तो अपने मम्मी पापा को ये वीडियो दिखाएं और उनको बताएं कि आपको भी बहू मिल चुकी है, क्योंकि इससे बेटर बहू आई डोंट थिंक आपको कहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी आपको बहू इतनी अच्छी? आफ्टर इंडिया इट्स ट्रेंडिंग ऑन बांग्लादेश, शी इज डैम। मैं ग्रामर तो करेक्ट कर ही नहीं रहा, कोई नहीं। लव फ्रॉम इंडिया बेबी, किरण पाटिल की तरफ से लव फ्रॉम इंडिया मिला है बेबी को। मैं बहुत बहुत एम्बेरस्ड हूँ वैसे मैं ये कमेंट्स पढ़ते हुए, क्योंकि आधे ज़्यादा इंडियंस हैं, आधे ज़्यादा 90% इंडियंस हैं, और ये लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं यार। कुछ इज्जत रख लो यार, थोड़ी सी इज्जत रख लो प्लीज़, थोड़ी सी इज्जत रख लो यार। देखो द बीस्ट गेमर से सीखो, ऑनेस्टी है, अपनी भाषा में बोलो, लंड समझ नहीं आ रहा है, ऑनेस्ट है। उसके बाद यूट्यूब का लिंक भी है कोई, अपनी अपना वीडियो प्रमोशन। नाइस, दिस गर्ल इज प्रॉब्ली लाइक अ टीनेजर एंड ऑल दीज इंडियंस आर थर्स्टिंग फॉर अ माइनर। यस, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू। फीलिंग अ प्राउड इंडियन, आई नीड फुल मोर। गाइस डू यू ऑल्सो नीड फुल मोर? आई नीड फुल मोर। निश्चल जी ने तो अपना प्यार का इजहार कर दिया भाई, आई लव यू सीधा, मतलब कुछ जाता ही नहीं यार। क्या पता वो बैठी हो वहां, उसने निश्चल जी का आई लव यू देख लिया और क्या पता सेटिंग हो जाए। सो नाइस, शी इज इंटरनेशनल क्रश बेटे। नेशनल इंडिया की क्रश भी नहीं है, अब वो इंटरनेशनल क्रश है। तो अगर तुम इंडिया से बाहर से देख रहे हो तो वो तुम्हारी भी क्रश है अब, ठीक है? तो क्या मतलब तुम जानते? चुप। द सॉन्ग ऑफ नेम इज परमेंतर, नाइस सॉन्ग। मैं ग्रामर करेक्ट नहीं कर रहा, बट गाने का नाम परमेंतर नहीं है, गाने का नाम तो टाइटल में लिख रखा है यार। जस्ट कॉज शी इज अ गर्ल दैट्स व्हाई शी गॉट सो फेमस, अदरवाइज आई रिमेंबर द होल सॉन्ग ऑल्सो। नॉट कॉज शी इज अ गर्ल कॉज शी नोज द होल सॉन्ग। बूम, बेस्ट रिप्लाई अवार्ड गोज टू ग्रियाटो, बेस्ट रिप्लाई। फ्रॉम आउटसाइड शी इज सो क्यूट, फ्रॉम इनसाइड शी इज सो सेक्सी। मैवरिक ओपी सपोर्ट करते हैं, सूर्य बन बुंडेला भी सपोर्ट करते हैं। ये हुई ना बात, यही तो हुई बात। फीलिंग प्राउड इंडियन, क्रश्ड, क्रश्ड। वॉटर ब्रेक टू एवरीवन हु करंटली हैव क्रश ऑन हर। देखो मेरे को पता तुम्हारा क्रश है उस पर, चलो देखो ये देखो, चलो। शी इज योर सिस्टर एंड माई मदर, बढ़िया है, ट्रिगर्ड इंसान का फैन लगता है। वी आर फ्रॉम इंडिया, वेयर एम आई वॉचिंग दिस वीडियो सो मेनी टाइम्स? नेशनैलिटी बता के बदनाम मत कर भाई। गाना किसी भी कंट्री का हो, ट्रेंडिंग में रोल इंडियंस का होगा। जय भारत जय भारतीय। PUBG X Pro अग्री करते हैं, ए ये ब्रो जय हो। यस गाइस फील प्राउड फॉर यू आर इंडियन, क्योंकि हम हर चीज ट्रेंडिंग पे ले आते हैं। हर चीज ट्रेंडिंग पे कौन लाते हैं? इंडियंस, ठीक है? हम ही तो, हम बेस्ट हैं भाई। व्हाट विल आई डू, आई लिसनड यू कवर एवरी डे, आई एम क्रश ऑन यू। डज एनीवन हैव हर फेसबुक आईडी? फेसबुक पे मैसेज करेगा भाई? अरे यार मैं भी कितना स्टूपिड हूँ। वो वेट कर रही होगी यार, सॉरी, वो वेट कर रही होगी कि कब फरदीन जामी रमीन उसको मैसेज करे फेसबुक पे और बताए उसको कि आई एम क्रश ऑन यू। वेट कर रही है भाई वो। ढूंढ फेसबुक आईडी, ढूंढ भाई, मिले तो बता। ओपी ओपी भाई ओपी। वेदांत गेमिंग पूछ रहे हैं आर यू सिंगल? पूछ ले, हाँ भाई पूछ ले। क्या अरे यूट्यूब से भी लव स्टोरी शुरू हो सकती है यार, तुम क्या बात कर रहे हो? कमीला रिप्लाई नहीं कर सकती क्या वेदांत गेमिंग का? चुप। आई कैन सी हर होल डे होल नाइट। रघु ठाकुर, शी कैन ऑल्सो सी यू होल डे होल नाइट। मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, वन नाइट स्टैंड। So,
एनीहाउ दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर तुमको भी वायरल होने का इंटरनेट पे तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पतला मैया दिवाम सर्च करो और उसकी लिरिक्स खोलो और लिरिक्स को रट लो और फिर जाके वीडियो बना के लिरिक्स साइड बाय साइड लिप सिंक करने की कोशिश करो. स्पेशल बोनस है, अगर तुम लड़की हो तो इंडियन अंकल जाके तुमको कमेंट सेक्शन में वेरी क्यूट बेबी लिख देंगे. यार मेरे को सेक्सिस्ट मत बुलाओ, लेकिन अगर मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो कोई इंडियन अंकल आके मेरे को वेरी क्यूट बेबी तो बोलेगा नहीं ना यार. एनीहाउ दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू एंजॉयड मेक श्योर यू लाइक कमेंट सब्सक्राइब. अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो बता देना मेरे को, बाकी सब्सक्राइब कर देना. लेट्स गेट टू 40K एज सून एज पॉसिबल. दैट इज इट एंड आई सी यू वेरी वेरी सून. यार थोड़ा रेगुलर लाने की कोशिश कर रहे हैं वीडियोस, सो यस आई सी यू वेरी वेरी सून. टेक केयर एंड जाके पतला मैया दिवाम की लिरिक्स रट लेना, ठीक है? मैं भी रट रहा हूँ, वायरल होने का मेरे को भी, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर, बाय.